देवराज ना यह देवी है ना असुरी ना ही
मानवीय है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो ताफिर उसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी ओर क्यों बढ़ती आ रही हो। मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवराज, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र त्रिलोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र वह बलि ही। शास्त्र वेदता मुझे दुस्सहा भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवतागण मुझे बलि प्रकार से नहीं पहचानते। किया है देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया तो फिर हम अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे उनका परित्याग कर रही हो। साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ वहाँ से मुझे दाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रहती हूँ। इसीलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का आदर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहते। लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य दान व्रत तप पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इनमें से विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथ घृत छूते हैं और अभक्ष भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले जगते थे और यथासमय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे। दिन दुखियों अनाथ वृद्ध रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्य आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता चतुरता सौहार्द उत्साह निरहंकार सत्य क्षमा दया दान तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्वान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनके क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य निद्रा और प्रसन्नता और संतोष कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इसकी सब बातें समय के विरुद्ध होने लगी है। बड़े बूढ़ों का सम्मान वो आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर एवं चेहरे की कांति छीन हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण युवा शराब चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः वे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसीलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर आशा श्रद्धा वृत्ति शांति जय क्षमा और विजित संगीत यह आठ देवियाँ भी निवास करेगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है। इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं निवास करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवतागण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विविध प्रकार से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि ये ऋषि
ये ऋषियों बस उसी समय में संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो किसी नगर में धन ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न परिवार एक सेठ रहता था। लक्ष्मी जी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम हो गई और लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसीलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की, हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श कर जो कुछ मांगना होगा मांगूंगा। आप कृपा कर कल तक मेरे यहाँ निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल उठते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित कर स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। उन्होंने अपनी बुद्धि अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने मरण आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, हे पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना ही चाहती है तो उनके अंग भूत हीरे जवाहरात एवं अन्य वस्तुएं किसी प्रकार स्थिर रह सकेगी। इसीलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बाबरी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल और अनाथालयों में अपने संपत्ति व्यय करके पूरी कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहेगी तो फिर ये काम नहीं हो सकेंगे। पुत्र वधु की बात सेठ को अच्छी लगी और शाम तक सेठ जी ने संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो उसने वर मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए यही आश्वासन देती हूँ कि अब कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार जीवन पर्यंत कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके वे भी सदुपयोग करेंगे वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। Yeah.